हेलो, वेलकम बैक टू सविता चैनल, सविता शर्मा 1388। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक करो, टिक टिक टिक। ओके, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो आज की मेरी जो ब्लॉग होगा वो हो थोड़ा सा रेसिपी के बाद, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं? ब्रेड। हाँ, तो मैं ब्रेड पिज्जा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में, आज के मतलब हाँ आज के ब्लॉग में। तो उसके अंदर जैसे अगर मान लो आपके घर आपके जहाँ भी आपका घर है वहाँ पे पिज्जा नहीं मिलता हो, या फिर ऐसा कि लाइक आपको बाहर का खाने का मन ना हो, घर से ही बनाना हो, तो आप लोग बना सकते हो। बच्चों को अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा, बिल्कुल पिज्जा जैसा लगता है ब्रेड पिज्जा। ओके, उसके लिए आपको चाहिए ब्रेड, चीज, ओरिगैनो, कॉर्न, वेजिटेबल्स, जो भी आप पसंद करें। हमारे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनको सिर्फ कॉर्न वाला पसंद है। और ओरिगैनो, चीज और चिली फ्लेक्स भी ले सकते। पिज्जा पास्ता सॉस, थोड़ी सी मेयोनी एंड कॉर्न टॉपिंग्स, कॉर्न टॉपिंग्स, कॉर्न, बस यही चीजें ज्यादा चाहिए। और ब्रेड तो स्पेशली चाहिए। तो हम सिखाते हैं बिना ओवन के आपको बनाना पिज्जा, ब्रेड पिज्जा। ओके, लेट्स चेक आउट फॉर रेसिपी। हमको पिज्जा बनाने के लिए मेयोनीज चाहिए, चीज चाहिए, कॉर्न, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, ओरिगैनो और ब्रेड। हाँ, तब हमें ये चाहिए। और कौन बना रहा है? कौन, नयुषा बना रही है क्या? अरे मामा बनाएंगी, मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले करेंगे हम कॉर्न को बॉईल। ओके, तो जब तक कॉर्न बॉईल हो रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सही बोला ना प्लर? हाँ सही बोला। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोगों को चाहिए इसके लिए ब्रेड, और सबसे पहले चाहिए दिस पिज्जा पास्ता सॉस। ये इसका कोई ऐड वैड नहीं करनी हूँ मैं, पिज्जा पास्ता सॉस लेनी है सिंपली आपको। ओके, मैं निकल जा। हाय, इतना भी दम नहीं होता, कैंची से करते हैं इसका ऑपरेशन। धम नहीं फूटने वाला है अभी। आई कैन टू इट। ये हमने लिया पिज्जा पास्ता सॉस, लिया स्पून, ज़्यादा बड़ी ले ली शायद मैंने, छोटी निकालनी पड़ी। हाय, मेरे कितने शादे बर्तन हो जाएंगे। ये लेते छोटू, इसमें अच्छे से आ जाएगा। This one is proper. तो ये हमने लिया, let's just spread it. It's normally spread equally from both of bread. La 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 la. मैं सिंगिंग करते हुए, चलो इसमें आप मेरी गाने भी सुन लो। कौन सा गाना सुनना है? छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। डन, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल को दिल ने पुकारा, मुलाकात हो गई। गाना अच्छा लगे तो बताइएगा, कभी सिंगिंग वाला वीडियो भी डालूंगी मैं। अब इसमें मेयोनी हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, डन डना डन, डन डना डन, डन डन। और गेनो का एक पाउच ले लें आप, दोनों के ऊपर स्प्रेड कर दें थोड़ा थोड़ा। डन, मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे अपने कॉर्न, लेके आती हूँ मैं यहाँ पे, दो मिनट में छान के लेके आती हूँ। तो ये है हमारे कॉर्न रेडी। इसके बाद आप इस पर कॉर्न लगा दें।
मैंने मार्केट की चीज लूंगी इसमें। अगर आप लोगों को चीज बनानी नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको घर में चीज बनाने भी सिखा सकती हूँ। जिसके यहाँ पर चीज वगैरह मिलता नहीं हो, आप ऐसे एरिया में रहते हो, तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में, मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी कि पिज्जा के लिए चीज काम चलाओ चीज कैसे बनाएं। जो मैं पास्ता के लिए भी वाइट सॉस बनाती हूँ, तो उसी के लिए मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। दिस ओके, इसके बाद हम लोग दिस आई हैव दिस ग्रेटेड अमूल चीज, ये हम देंगे हैंड में। जम गई है यार, सेम सेम मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा मेरे गलियों। मेरा गाना सुन सुन के बोर मत होइएगा, मैं तो ऐसे ही सिंगिंग करती हूँ। अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर, और कौन सा गाना आपको सुनना है वो बताइएगा, ठीक है। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें तुम्हें खुद हम सजाए, कहानी सुनो जबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। तो डन, दिस पोर्शन डन। अगर आप चाहो तो इसमें ऊपर ऑर्गेनो डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने अंदर डाल दिया था, और मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी अब ओनली तवे पे, नो नीड माइक्रोवन एंड ऑल, माइक्रोवन वगैरह की नीड नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको तवे पे, तवे को रखेंगे गर्म करने के लिए, और हम इसको तवे पे रखेंगे, ठीक है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तवा रख दिया गर्म करने के लिए। पहले इसको मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट पीधी प्री हीट कर लूँगी, ढक्कन को ढक के, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है। तो अब ये हो गया गर्म, अब हम इसको इनको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। रुको यार, ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा सा ले लें जुगाड़। ये बिल्कुल हम मीडियम मीडियम भी नहीं, बिल्कुल स्लो में हम इसको रखेंगे। ये गैस की मीडियम, बिल्कुल मीडियम नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो, और हम इसको ऐसे करके ढक देंगे, दिस वन, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट बहुत होता है, 5 मिनट के बिल्कुल लो में। पहले 2 मिनट में तेज गर्म कर लेना, उसके बाद 2 मिनट में, 2 मिनट तक हम इसको, 2 नहीं 5 मिनट के लिए अब इसको ऐसे चलने देंगे, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल हमारा पिज़्ज़ा यहाँ से खाते हैं, देखो हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है, डन। अब हम इस पर ऑर्गेनो डालेंगे और बच्चों को सर्व करेंगे। दिस इज़ वेरी क्रिस्पी एंड यम्मी, नीचे से जलता, सॉरी दिखा नहीं सकती, देखो नीचे से जलता भी नहीं है, जस्ट लाइक कुरकुरा टाइप, ठीक है। अब हम इस पर डालेंगे एक पाउच ऑफ ऑरिगेनो का पाउच डालेंगे, और इसको 2 पीसेस में कट करेंगे बाय नाइफ, वेरी बाय नाइफ। मेरा नाइफ कहाँ चला गया, टाइम पर मुझे कुछ नहीं मिलता, टाइम पर मुझे कुछ नहीं मिलता, तो इसके हम दिस कट कर लेंगे। तो देखिए आप, इस लुक सो यम्मी सी। अभी ऑर्गेनो डालेंगे हम इसके अंदर, है कुछ ही पिज्जा से कम सी 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 सी। तो गाइस, ये थी मेरी पिज्जा की रेसिपी, आप लोग को अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलेंगे और नए ब्लॉग के साथ। अगर मैंने कुछ नई रेसिपी बनाई तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, बाकी डेली रूटीन और छोटे मोटे वीडियोस मेरे आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।